देखिए, आज ही 6 महीने के बच्चे के लिए बताएंगे सूज किस तरह से बनेगा। ये देखिए, बहुत आसान है बनाना। ये देखिए, 16 फंदा डाले हैं इसमें, 16 फंदा डाले हैं और ये 24 सलाई बिने हैं, 12 ये आया है, 1 2 3 4 12, और ये 16 ये आया है, 32 सलाई ये बिने हैं बीच में, फिर ये दूसरे कलर का 24 सलाई बिने हैं, तो 12 आ गया है। इसी तरह सिंपल बनाना है, बिल्कुल 16 फंदा डाल के इस तरह से बना लीजिए, दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाइए चाहे उल्टा उल्टा, तब एक गांठ इस तरह से बनेगी। बस इतना बना के 12 ए 12 ए और 16 ए बना के बस ये फंदा पूरा बंद कर दीजिए इस तरह से। देखिए, 2 का 1, फिर इसी में फंदा ऐसे लेके, फिर इसी में से फंदा लेके इसे, बस पूरा फंदा इसी तरह से सिंपल बंद कर दीजिए। बहुत आसान है बनाना इसको, छोटे बच्चों के लिए बना दीजिए। ढीला पड़े तो डोरी डाल दीजिए उसमें बीच में बांधने के लिए। अब ये देखिए, सारे फंदे बंद कर दिए हैं इसको। अब इस तरह से सीधा वाला नीचे रहना चाहिए, सीधा वाला नीचे रहे इस तरह से, देखिए मोड़ लीजिए, और ये जो मतलब इधर एकदम सीधा सीधा आया, इसको नहीं इधर से सिलना है। ये देखिए, ऐसे मोड़ लीजिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मोड़ के, बस इधर से इस तरह से यहाँ से पूरा सिलाई यहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। देखिए, इसी तरह से सिलना है इसे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरी सिलाई इसी तरह से मिला मिला के से कर देना है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलाई कर लिए हैं। देखिए, ये देखिए इस तरह से हो गया सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको ऐसे पलट लीजिए, फिर अब इस यहाँ से, अब ये जो कलर दिख रहा है यहाँ से बड़ा बड़ा लेके सिलाई करना है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी देखिए ऐसे कर होगा, यही यहीं से दूसरे कलर से ऐसे ऐसे अंदर से लेके इस तरह से बड़ा बड़ा करके यहाँ तक पूरा यहाँ तक सिलाई करना। ये देखिए, इसी तरह से ये बड़ा बड़ा लेके बस इस दूसरे कलर वाला इस तरह से। देखिए, अब इसको ऐसे खींच दीजिए, ये देखिए इस तरह से, देखिए बन गया ये धागा। ये जो गांठ लगाई है इसको खींच के वहां खूब कस के इसको बांध दीजिए। इसे खूब कस के इसको बांध दीजिए। देखिए इस तरह से, फिर ये नीचे थोड़ा पक्का कर दीजिए इसको। देखिए,
देखिए इसी तरह थोड़ा यहाँ पक्का कर दीजिए ना तो होल नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ से पीछे से इसे धागा डाल के यहाँ से निकाल लीजिए। चाहे आप इसमें मोती लगा दीजिए, मोती भी लगा सकती हैं यहाँ पे, और चाहे इस तरह से जैसे हम कढ़ाई किए इस तरह से कर दीजिए। ये देखिए ऐसे करके इसी तरह से निकालते जाइए। इसी तरह से जैसे इसमें बना है देखिए इस तरह से, इसी तरह से इसमें भी ऐसे ऐसे करके देखिए यहाँ से धागा डालिए और फिर यहीं पे ऐसे करके इसको ऐसे फंसा दीजिए सुई में, इस तरह से फूल जैसा आ जाता है। ये देखिए बन गया इस तरह से। अब चाहे आप यहाँ मोती लगाइए, चाहे इस तरह से कढ़ाई कर दीजिए जैसे हम किए हैं। ये देखिए इसको ऐसे मोड़ दीजिए, और ढीला पड़े तो यहाँ पे आप डोरी डाल दीजिए, बांधने के लिए बच्चों को सही रहता है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।